डिकॉर्ट ड्रॉप के अंदर डेफ्लाजिकॉर्ट इंग्रेडिएंट्स दिया है। डिकॉर्ट ड्रॉप का प्रयोग बच्चों में एलर्जी की प्रॉब्लम, आंतों में सूजन, चर्म रोग, सोराइसिस, गंजापन, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, टेनिस एल्बो, वर्साइटिस, लूपस, लाइकेन प्लेनस, फेफड़ों के रोग, आँखों की बीमारी, आँखों में जलन, बेडसोर और नासूर, इन सभी में हम डिकॉर्ट ड्रॉप यानी डेफ्लाजिकॉर्ट को प्रयोग में ला सकते हैं। आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक पुरपुरा खून का रिसाव रोकने वाली कोशिकाओं का स्तर कम होना या प्लेटलेट की संख्याओं का कम होना, तो उसे हम आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा कहते हैं। टेनिस एल्बो हाथ की मांसपेशियों की कोहनी से जोड़ने वाले ऊतक में जलन और कोहनी की बाहर की ओर दर्द होना, इसे टेनिस एल्बो प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। लुपस, लुपस में सूजन, जलन, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी ऊतकों और अंगों को नुकसान पहुंचाने लगती है। लाइकेन प्लेनस, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली की सूजन वाली अवस्था को हम लाइकेन प्लेनस कहते हैं। बेड सोर्स में बॉडी के किसी भी हिस्से में घाव होने लगते हैं। डर्मेटाइटिस यानी तरल पदार्थों के जमा होने पर पैर के निचले हिस्से में सूजन या घाव, मवाद या फफोले, इस तरीके की जो समस्या हो उसे डर्मेटाइटिस या नासूर, नासूर ऐसे घाव जैसे होते हैं, बड़े घाव हो जाते हैं बॉडी के अंदर, उसे हम नासूर कहते हैं। तो इन सभी में हम डिकॉर्ट ड्रॉप को प्रयोग में ला सकते हैं बच्चों के लिए। यानी अगर 2 महीने या 6 महीने का बच्चा है तो इस तरह की ये ड्रॉप आप इसमें भरिए, 3 या 4 ड्रॉप इसके अंदर। अगर 3 महीने का बच्चा है तो दिन में 2 या 3 बार, और 6 महीने का बच्चा है तो कम से कम आप 6 ड्रॉप, यानी यहाँ तक इसमें दी हुई है, 6 ड्रॉप आप भर के 3 टाइम आप दीजिए। अगर 1 साल का बच्चा है तो पूरा आप यहाँ तक 6 ड्रॉप भर के आप 3 या 4 बार बच्चे को दे सकते हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे, अगर आपने बिना डॉक्टर की एडवाइस से यह ड्रॉप दी तो इलेक्ट्रोलाइटिक संतुलन, स्किन थिनिंग यानी त्वचा का पतला होना और वसा का संचय, मांसपेशियों से जुड़ी समस्या, हड्डियों की वृद्धि में बदलाव और त्वचा पर निशान पड़ना, ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि, संक्रमण होने का खतरा, इस तरीके की समस्या हो सकती हैं। इसकी जो मार्केट रेट है ज़्यादा महंगी नहीं है, 20 रुपीज़ इसमें दी हुई है। तो इस ड्रॉप को आप बिना डॉक्टर की एडवाइस से नहीं लेना। धन्यवाद।